खबर का रुख कर लेते हैं। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आखिरकार बंद हो गया कोटा थर्मल की यूनिट 1 और 2। थर्मल प्रशासन ने आदेश नहीं मिलने की बात कहकर यूनिट बंद की है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा सचिव से बात की थी। कोटा थर्मल की यूनिट बंद नहीं करने का आश्वासन दिया गया था और थर्मल प्रशासन को कोई लिखित आदेश नहीं मिला। पहले बंद करने की बात पर कोटा के लोगों में खासा आक्रोश था। तो इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से आप देख रहे हैं, जहां कोटा थर्मल को बंद कर दिया गया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा सचिव से बात की थी। कोटा थर्मल की यूनिट बंद नहीं करने का आश्वासन दिया था और थर्मल प्रशासन को इसका कोई लिखित आदेश नहीं मिला। पहले बंद करने की बात पर कोटा के लोगों में खासा आक्रोश था। चलिए फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जिमीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या कुछ और जानकारी फिलहाल इस खबर पर? देखिए आयुषी, आखिरकार जिस बात को लेकर के कोटा शहर नहीं चाहता था वो हुआ जी। कोटा थर्मल पावर प्लांट की जो 1 और 2 इकाइयां हैं उन्हें बंद कर दिया है कल रात 12 बजे से। ये दोनों इकाइयां 110 110 यानी 220 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती थी और फिलहाल इनको लेकर के फैसला लिया गया था कि 30 जून के बाद में इनको बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर के कोटा शहर के अंदर अलग अलग जो संगठन है उनका विरोध देखने को मिला था, उनके अंदर गुस्सा देखने को मिला था और खुद कांग्रेस के नेता पंकज मेहता ने भी इसको लेकर के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। बाद में खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जब शहर में इसको लेकर के विरोध बढ़ा, गतिरोध बढ़ा, तो इसको लेकर के ऊर्जा मंत्री से बात की, ऊर्जा सचिव से बात की और जिसके बाद बातचीत के बाद में कहा, उनका खुद का बयान आया था कि कोटा थर्मल की दोनों इकाइयां बंद नहीं होगी। लेकिन जब सहमति बनी और इसके बाद में कोई लिखित जो पत्र है वो थर्मल प्रशासन तक नहीं पहुंचा और बाद में थर्मल प्रशासन ने के पास पत्र नहीं पहुंचने के बाद में थर्मल प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया और कल रात से इन दोनों इकाइयों को बंद कर दिया गया है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये थर्मल पावर प्लांट कोटा की पहचान भी है, बड़े पैमाने पर विद्युत का उत्पादन होता है और कह सकते हैं कि कोटा के लिए बड़ा झटका है जब एक साथ 2 इकाइयां बंद हो गई हैं और वो भी ऐसे समय में जब इसको लेकर के पूरे शहर के अंदर गतिरोध था, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि फिलहाल ये कोटा के लिए बड़ा झटका है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए हिमांशु आपका। तो कोटा के लिए बड़ा झटका है, जो थर्मल यूनिट 1 और 2 है उसे बंद कर दिया गया है। काफी विवाद इसे लेकर कई दिनों से चल रहा था लेकिन अब फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है।